हाय गाइज, वेलकम बैक टू अनदर न्यू ब्लॉग। रुको जरा, तुम तो बहुत हैवी ड्राइवर हो रहे हो। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। आज के ब्लॉग में क्या खास होने वाला है मैं आपको बता दूं। हमारे यहाँ पर हो रहा है पंचायत चुनाव, जैसा कि आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं। यहाँ पर भर भर के पोस्टर बैनर लगे हुए हैं पंचायत चुनाव के। पंचायत चुनाव के साथ में ही होता है क्षेत्र पंचायत चुनाव, जिला पंचायत चुनाव एंड प्रधानी, और एक होता है सदस्य, वार्ड सदस्य जो होते हैं। तो इन सब का चुनाव होना है। आज है 28 अप्रैल 2021 और कल 29 अप्रैल को चुनाव होना है। और आज के ब्लॉग में खास ये होने वाला है कि मैं दिखाने वाला हूँ कि हमारे गांव का जो बूथ है, यानी कि मतदान स्थल है, उसकी क्या तैयारियाँ हो चुकी हैं, क्या व्यवस्था हो रखी है वहाँ पे। और ये आप लोग देख सकते हैं, हमारे यहाँ पर भी काफ़ी सारे पोस्टर लगे हुए हैं भर भर के, जो कि जिला पंचायत एंड प्रधानी के एंड क्षेत्र पंचायत सदस्य यानी BDC के। और दोस्तों, ये चुनाव मेरे लिए खास इसलिए होने वाला है क्योंकि मैं अपनी लाइफ का फर्स्ट मतदान करने वाला हूँ। आप सभी का एक एक वोट बहुत कीमती है, तो अपनी मत के अनुसार अपना पसंदीदा प्रत्याशी जरूर चुनें और मतदान जरूर करें। फैमिली, चलिए फाइनली आप लोगों को चलकर हमारे यहाँ का मतदान स्थल दिखाते हैं। और वहाँ पर पुलिस फोर्स वगैरह भी आ रखी होगी शायद, तो मैं आप लोगों को दिखाने का प्रयास करूँगा। चलिए फाइनली चलते हैं। गाइज, आप लोग देख सकते हैं हमारे यहाँ के मतदान स्थल की तैयारियाँ कुछ इस प्रकार हो रखी हैं। आप लोग देख सकते हैं व्यवस्था एकदम ओके है, पूरा बल्ली वगैरह लगाकर एकदम रेडी कर दिया गया है ताकि सभी लोग अच्छे से अपना वोट डाल सकें। और ये खड़ी है बस, जिससे कि आए हैं सभी अपने अधिकारी लोग, और इसी में धर के ले जाएंगे वो बॉक्स जिनमें कि वोट डाले जाएंगे। और आप लोग देख सकते हैं अंदर से ही व्यवस्था एकदम ओके है। तो फैमिली, अभी फाइनली मैं पहुंच चुका हूं घर। और जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा कि हमारे यहां के मतदान स्थल की व्यवस्था एकदम ओके है, पूरा बूथ की व्यवस्था कर दी गई है, बल्ली बल्लियाँ लगाकर मान ली लाइन लगाने के लिए। 3 बूथ बने हुए हैं, यानी कि हमारे गांव में 3 ही गांव लगते हैं, तो सबका अलग होना है इस बार। और आप सभी ने देखा वहाँ पर बस खड़ी थी पुलिस फोर्स की, और सभी लोग वहाँ पर पहुँच गए हैं और अपनी वो तैयारियाँ कर रहे हैं क्योंकि मॉर्निंग में वोटिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। और दोस्तों, इससे मतदान से मुझे एक चीज़ याद आ गई कि फ़र्स्ट टाइम जब मैं अपने कॉलेज गया था तो उस दिन था मतदान दिवस, आई नो शायद 25 दिसंबर, तो उस दिन इसी के उपलक्ष्य में रैली निकाली गई थी। तो बहुत ही प्यारे प्यारे कुछ डायलॉग्स वहाँ पे बताए गए थे, और हम लोगों ने वहाँ पे बोले थे, एक गांव में गए थे लोगों को जागरूक करने के लिए मतदान के लिए। रियली मतदान एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमारा अधिकार है, तो उसे हमें डालना चाहिए। तो उसमें एक था कि चल्ले भूरा चल्ली भूरी, वोट देना है ज़रूरी। और एक था कि उम्र 18 पूरी है और वोट देना ज़रूरी है, और यदि आपकी भी उम्र 18 पूरी है तो वोट देना ज़रूरी है, आप मतदान करने ज़रूर जाएं। तो अभी मैं घर पहुंच चुका हूं क्योंकि अभी टाइम हो गया है 6:10 का, और 6:30 से मेरी लाइव क्लास है, तो मुझे अभी क्लास को अटेंड करना है, इसलिए मैं घर पर आ गया था। बस आज के लोग मुझे यही दिखाना था आपको, जैसा कि आपने देखा ना, तो बस यही आपको दिखाना था कि हमारे यहाँ पर मतदान की क्या तैयारियाँ चल रही हैं और पंचायत चुनाव किस तरीके से हो रहा। तो फैमिली, आज के छोटे से ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल। यदि उम्र 18 पूरी है तो वोट देना जरूरी है। जय हिंद, जय भारत। तो फैमिली, अभी मेरी क्लास का टाइम हो चुका है, 6:30 बज चुके हैं, और लास्ट में आप लोग देखिए सृष्टि अभी चलना सीख गई है, तो आप लोग देखिए सृष्टि का एक क्यूट सा वीडियो।